नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस। देखते हैं अपन ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस क्या है। ऑर्डर ऑफ मैट्राइसेस, जैसा कि अपन डिटरमिनेंट्स में देखे थे सेम है, बट इसमें क्या है कि जो डिटरमिनेंट्स में अपन टू सिंगल लाइंस में देखते थे, इसमें बड़ी ब्रैकेट में देखेंगे, है ना। जैसे कि पहले चैप्टर में स्टार्ट करा था तो उसमें बताया मैंने कि डेफिनेशन ऑफ मैट्राइसेस क्या है, डिटरमिनेंट्स ये कैसे डिफरेंस क्रिएट करता है, मैट्रिक्स को अपन सॉल्व नहीं कर सकते हैं, वो एक अरेंजमेंट होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड वे में देखें तो अपन ए से मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं और वो आता है ए ऑफ आई जे, जो कि अपन एम क्रॉस एन से डिनोट करते हैं। मैंने बताया था ए आई जे क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ गिवन मैट्रिसेस, चाहे वो कुछ भी ऑर्डर का हो। तो हमने यहां पे एम क्रॉस एन ले लिया। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस जब हमें डिफाइन करना होगा तो अपन लिखेंगे कि अ मैट्रिसेस या मैट्रिक्स ऑफ हैविंग एम रोज एंड एन कॉलम्स, एम रोज एंड एन कॉलम्स नोन एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। वो क्या होगा, जैसे कि अपन एक ए से स्टैंडर्ड फॉर्म में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहला एलिमेंट जो अपन होता है वो पोजीशन उसकी क्या होगी, तो वो रिप्रेजेंट करेंगे एलिमेंट को ए वन वन। वन वन क्या है, जैसे डिटरमिनेंट बताया था वन वन आईएथ आई फॉर रो एंड जे फॉर कॉलम। तो पहला जो एलिमेंट है, पहला जो डिजिट है ये वन, ये रिप्रेजेंट करता है आई और जो सेकेंड है वो जे को। तो अगर मैं फर्स्ट रो लूं तो वन कांस्टेंट होगा क्योंकि वो फर्स्ट रो है, तो ए वन वन, फिर लिखेंगे अपन ए वन टू, फिर अपन लिखेंगे ए वन थ्री, इसी तरह ये चलता रहेगा, ये जाएगा अप टू, मान लीजिए ए वन कांस्टेंट है सपोज ये जे तक गया, फिर ये चलता जाएगा लास्टली ये अपन मान लेते हैं ए वन कांस्टेंट एन तक। तो ये इसमें क्या हुआ, ये रो वन चला क्योंकि उसमें रो जो है कांस्टेंट है, बाकी कॉलम वेरी कर रही है वन टू थ्री, बीच में कहीं पे जे तक, और लास्टली मान लिया कि जे जो है एन तक वेरी कर रहा है। फिर अपन रो टू की बात करें, सेकेंड लेते हैं अपन रो टू, वो क्या आएगा भाई, तो एलिमेंट्स अपन लिखेंगे टू, फिर स्टार्ट होगा कॉलम वन, फिर ए टू टू कॉलम टू, फिर टू कॉन्स्टेंट जा रहा है टू थ्री, लाइक दैट चलता रहेगा, मान लीजिए ए टू कॉन्स्टेंट है जे तक, सिमिलरली ये कहां तक जाएगा ए टू एन तक। सेम मैनर में ये रो भी कॉन्स्टेंट चलते रहेंगे, रो भी ये कॉन्स्टेंट चलते रहेंगे, तो वो कहां तक जाएगा अभी देखेंगे। ये आएगा मान लीजिए मैं लिखता हूं ये, इसमें देखें वन कॉलम वन कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, ये वेरी करेगा वन टू थ्री फोर लाइक, तो ये कहां तक वेरी करेगा, तो मान लिया हमने आई तक, जैसे इधर कॉलम वाइज कर रहा था तो जे रो, कॉलम वाइज कर रहा था जे, इधर रो कर रही है तो आई, फिर सिमिलरली ये क्या हो जाएगा ए आई टू कॉलम टू के लिए, फिर ये हो जाएगा रिप्रेजेंट करता है कॉलम को सी वन, फिर रिप्रेजेंट करता है सी टू, ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ए आई वन ए आई टू, नेक्स्ट क्या आएगा ए आई थ्री, फिर क्या आएगा ए आई जे बीच में कहीं पे, इसी तरह ये चलता रहेगा अप टू मान लीजिए ए आई एन तक। सेम मैनर में ये चलता रहेगा कहां तक, लास्ट में ए, इसमें देखिए वन कांस्टेंट है तो वन कांस्टेंट फिर है ना, और फिर ये कहां तक जाएगा भाई, तो ये आई तक है ना, और एन जैसे कि अपन यहां पे देखें जे जब वेरी कर रहा था तो लास्ट अपन ले रहे थे वेयर, आप लिख सकते हैं वेयर कि आई जो है वो वेरी कर रही है वन से लेके डॉट 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 अप टू एम तक, और जे जो है वो वेरी कर रहा है वन टू ऐसे करके अप टू एन तक, जे एन तक, तो अपन आई को वेरी कराएंगे, वो कहां तक वेरी कराएंगे आई जो है एम तक, तो एम हो जाएगा ये कॉन्स्टेंट,
फिर सिमिलरली ये भी चलेगा, ये भी कहां तक, ए, इसमें भी देखिए रो रो वेरी नहीं कर रही है, तो एम ये हो जाएगा टू, फिर ये भी क्या हो जाएगा एम, और ये थ्री, डॉट 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 ऐसा चलेगा, ए देखिए एम कॉन्स्टेंट जा रहा है रो एम और ये जे तक, फिर डॉट 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 लास्ट में अपन बोलते हैं ये एम क्रॉस एन। तो लास्ट एलिमेंट जो आती है एम एन आती है, इसलिए लिखते हैं अपन ये एम क्रॉस एन। तो ये रिप्रेजेंटेशन है एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कि मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट कैसे रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं इन ऑर्डर में। तो ये जो मैट्रिक्स मैंने डिफाइन करा ये एम क्रॉस एन के लिए हुआ, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। इससे आप कोई भी एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं एग्जाम्पल बात करूं कि यार एक मैट्रिक्स है 2x3 का, एक मैट्रिक्स हमें लिखना है 2x3 का, तो क्या होगा, तो कुछ भी ले लीजिए, लाइक एक मैट्रिक्स ले लिया हमने 2x मतलब m, m रिप्रेजेंट 2 मतलब रोज जो है 2 होने चाहिए, तो यार ले लीजिए 1 2 3 है ना, √2 0 5 और कॉलम 3, तो कॉलम 3 हमने ले लिया, तो रो हो गई √1 √2, कॉलम हो गई C1 C2 और ये C3। तो ये डिफाइन करता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो सबको समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जब बोला जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म में AIJ बोलेंगे। अगर आपको खोल के रिप्रेजेंट करना है कि हर एक एलिमेंट समझ में आए, तो आप इसको वेरी करते रहिए IJ। IJ एलिमेंट की पोजीशन बताती है और M क्रॉस N वो पूरा ऑर्डर को डिफाइन करता है, दोनों रो और कॉलम को ही रिप्रेजेंट करता है, बट ये पोजीशन ऑफ एलिमेंट का रो कॉलम बताता है और ये पूरे होल मैट्रिक्स का रो और कॉलम बताता है कि हाँ भाई ये M क्रॉस N होगा। इतना नोट करें, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है, इतना नोट कर लीजिए पहले आप। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस। तो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में क्या है, अलग अलग टाइप के मैट्राइसिस देखेंगे, है ना। तो जैसे जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, चैनल मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, तो देर आर लॉट्स ऑफ मैट्राइसिस जो कि एक एक करके डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखें टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस, टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस मतलब मैट्रिसेस से कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला आता है नंबर 1 जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसको एक और नाम दिया जाता है नल, नल मैट्रिक्स। ये क्या चीज है, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं कि अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट आर इक्वल्स टू जीरो इज कॉल्ड जीरो और नल मैट्रिक्स। ये क्या चीज है भाई, देखते हैं अभी एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाय जीरो। वैसे मैंने बताया मैट्रिक्स को आप ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जीरो अपन नाम दे रहे हैं तो जीरो से डिनोट करते हैं। तो ये क्या चीज है भाई, डेफिनेशन क्या बोल रही है, अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स, हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू जीरो मतलब जो एलिमेंट्स होंगे, जैसे मैट्रिक्स हुआ जीरो, ये एक मैट्रिक्स है, इसको बोलेंगे 1x1 का, है ना, रो भी 1 कॉलम भी 1। और एग्जांपल लेना है नेक्स्ट, ये ले लीजिए 0 0, ये क्या होगा, कितने रो हैं, 1 कॉलम 2। और एग्जांपल देख सकते हैं, तो देखिए सारे एलिमेंट जो मैट्रिक्स के हैं सारे 0 हैं, ये 2x2 हो गया। और देखना है तो और लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x3, 2 rows and 3 columns। तो देखें फर्स्ट एग्जाम्पल में भी एलिमेंट्स जो हैं एक ही है और वो जीरो है, इसमें 2 एलिमेंट्स है वो भी जीरो। तो अ मैट्रिक्स हैविंग ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू जीरो नोन एज जीरो या फिर नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। सेकेंड आता है
रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स जैसे नाम से ही लग रहा है, रो मैट्रिक्स मतलब रो तो होने ही चाहिए।